आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। अभी हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको जाननी चाहिए अबाउट क्लासेस, चाहे वो मेन कैंपस की बात हो या फिर एसएस खन्ना, सीएमपी या फिर इवन क्रिश्चियन कॉलेज, इन सारी जो मेन जो इंस्टीट्यूशंस है इलाहाबाद में पढ़ाई को लेकर के, उसके बारे में वहाँ पर जो क्लासेस का जो शेड्यूल है वो कैसा है और क्लासेस के बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको जाननी चाहिए। इसमें मेनली हम बात करेंगे मेन कैंपस के बारे में, और मेन कैंपस में भी हम मेनली बात करेंगे जो कुछ रेगुलर कोर्सेज हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके बारे में थोड़ा सा कम बात करेंगे, क्योंकि उनके बारे में उतनी जो शेड्यूल है वो मैच नहीं करता बाकी सारे कोर्सेज से। बाकी बीए, बीएससी, बीकॉम, इनमें जो मेनली जो स्ट्रक्चर है, जो क्लास का टाइम होता है वो लगभग सेम होता है। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। उसके पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी कट ऑफ काउंसलिंग की सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। कट ऑफ आपकी आज आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, इसके पूरे चांसेस हैं, कट ऑफ आपकी आज आ जाएगी, आप उसको 5 बजे चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जो उसका मेन टॉपिक है जो कि ये है कि आपकी जो क्लासेस हैं उसका क्या टाइम रहता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में। देखिए, अगर हम बात करें मेन कैंपस में क्लास का टाइम का, तो आपकी एक क्लास चलती है लगभग 50 मिनट की, यानी कि आपकी एक क्लास होती है 50 मिनट की, और आपके एक क्लास के, जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर आपका कोई और क्लास है बीकॉम बीएससी में, तो आपकी एक क्लास चलती है 50 मिनट की, और आपके उस क्लास के मल्टीपल सेक्शंस होते हैं। तो बीए में क्या है कि आपके जो स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा होती है, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इनमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, क्योंकि जो बच्चों की स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा है, तो इसमें क्या है कि आपके जो सेक्शंस हैं डिवाइड किए होते हैं, यानी कि आपके एंशिएंट हिस्ट्री के लगभग चलती है 4 से 5 सेक्शंस चलते हैं, और उन 4-5 सेक्शंस में से आपके सेक्शन वाइज डिवाइड होता है मीडियम भी, यानी कि अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आपको मिलेगा सेक्शन जेड, और आपका कोई हिंदी मीडियम है आपका तो आपको सेक्शन ए बी सी मिल जाएगा। यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग डबल ट्रिपल है इंग्लिश मीडियम के बच्चों से। सो आपका जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपका सेक्शन डिवाइड है हिंदी और इंग्लिश में, और आपकी एक क्लास चलती है 50 मिनट की, और अगर उसके बाद की बात करें तो यहाँ पर आप एक क्लास, सपोज करिए आपने कोई, आपका कोई पोर्शन छूट गया एंशिएंट हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में या फिर किसी भी और कोर्स में, तो आप उस क्लास का जो है उसको दूसरे सेक्शन में पढ़ सकते हैं। यानी कि आपने आपका, आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं और आपका छूट गया है तो आप हिंदी मीडियम की जो क्लास है वो अटेंड कर सकते हैं, और आपको अगर कोई कुछ नहीं रोकेगा, इवन टीचर पूछते भी हैं कि कोई यहाँ पर बच्चा दूसरी सेक्शन का है, और तब भी अगर आप अपना हाथ उठा देंगे और नहीं भी उठाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर उठा भी देंगे तब भी टीचर आपको कहेगा कि हाँ कोई बात नहीं, वेरी गुड, यानी कि तब भी आपको अप्रिशिएट ही करने वाला है कि आप एक्स्ट्रा क्लास कर रहे हैं। यानी कि एक बच्चा मल्टीपल क्लास कर सकता है अपने मल्टीपल सेक्शंस की, आप बस उसका टाइम जान लीजिए। सो आपको यहाँ पर पढ़ाई का माहौल लगातार देखने को मिलेगा, आपकी क्लासेस लगातार चलती रहेंगी, कभी आपके सेक्शन की, कभी दूसरे सेक्शन की, कभी तीसरे सेक्शन की। सो अगर आप कैंपस में हैं तो आप जरूर से क्लास कर सकते हैं, और इतना ही नहीं है कि आप अपने सेक्शन की क्लास कर सकते हैं, मतलब अपने क्लास के डिफरेंट सेक्शंस की क्लास कर सकते हैं, ऐसा ही नहीं है। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं भी है तब भी पॉलिटिकल साइंस की स्ट्रेंथ इतनी है, लगभग 400 बच्चे बैठते हैं LT1 LT2 में, जब ये क्लासेस चलती है फर्स्ट ईयर की, तो आप वो क्लास भी अटेंड कर सकते हैं भले ही आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिफरेंट क्लासेस अटेंड करते हैं बल्कि उनका वो सब्जेक्ट नहीं होता। देखिए, मेरा फिलॉसफी नहीं था पर तब भी मैंने वहाँ पर जाकर क्लासेस अटेंड की, और वो टीचर बहुत ही अच्छे थे, प्रोफेसर थे और बहुत ही मस्त पढ़ा रहे थे, इवन मैंने उनके भी कई सारे पॉइंट्स नोट्स किए, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसी बातें मुझे और कहीं नहीं जानने को मिलेंगी। सो आप भी, भले ही आपका वो कोई सब्जेक्ट नहीं है, आपको अगर उसमें इंटरेस्ट है या फिर उसके जो टीचर हैं अच्छे हैं, तो आप ज़रूर से उसकी क्लास जो है अटेंड कर सकते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, कोई नहीं जान पाएगा कि आप उसकी क्लास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर जान भी गए तो टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, कुछ नहीं कहेंगे, बस आप पढ़िए। एक थोड़ी सी दुख की बात है, वो ये है कि आपकी जो क्लास चलती है फर्स्ट ईयर में, चाहे वो बीएससी की हो, चाहे वो बीए की हो, बीकॉम की हो, तो आपकी मोस्टली जो क्लासेस चलती हैं फर्स्ट ईयर में, वो आपके क्लासेस लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, आपके प्रोफेसर्स के जो क्लासेस हैं काफ़ी कम होती हैं, यानी कि एचओडी और प्रोफेसर्स आपको कम पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर वगैरह में, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें एचओडीज प्रोफेसर्स कम क्लास लेते हैं, उनका भी काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो आपकी क्लास लेते हैं। देखिए, पर नॉलेज में कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता है, बस डिफरेंस जो होता है वो होता है एक्सपीरियंस में, पर फिर भी आपके लिए ये भी इक्वली गुड है कि आपको पढ़ाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स। अभी कुछ समय पहले तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो संख्या थी बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से प्रोफेसर्स की अनुपस्थिति में आपकी क्लास लेते थे रिसर्च स्कॉलर्स, यानी कि जो PhD कर रहे हैं वही आपकी क्लास लेते थे, तो वो और बुरा था, उससे भी फार बेटर है कि आपकी क्लास लेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर्स, यू गाइस आर क्वाइट लकी, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो आ गए हैं, आपकी क्लास जो है वो रेगुलर होगी।
अगर हम बात करें सिलेबस की, देखिए आपका सिलेबस जो है वो कई सारी यूनिवर्सिटीज से कुछ पोर्शंस में अच्छा है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के थिंकर्स को देखेंगे तो इंडियन थिंकर्स में जो पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स हैं वो आपके कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी सिलेबस जो है वो काफी अच्छा है, यानी कि वहां पर जो अच्छे थिंकर्स को मिस किया गया है वो यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। तो देखिए सिलेबस आपको कहीं भी कम देखने को नहीं मिलेगा, पढ़ाई आपके ऊपर है, टीचर्स के ऊपर है यहाँ के, और आपकी क्लासेस कितनी रेगुलर चलती है उसके ऊपर है, पर सिलेबस यूनिवर्सिटी ने किसी भी कंपैरिजन में कहीं से भी कम अच्छा नहीं रखा है, आपका सिलेबस बहुत अच्छा है। और अगर बात करें क्लासेस की रेगुलरिटी की तो आपकी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर चलेंगी, बिलीव मी। और इसके पहले क्या था, मेरे टाइम में क्लासेस कम रेगुलर थी, तो जो टीचर्स थे वो अब्सेंट थे, टीचर्स की काफ़ी कमी थी, बट लास्ट टाइम में जब टीचर्स आ गए थे तो क्लासेस काफ़ी रेगुलर थी। और इवन जो टीचर्स क्लास नहीं लेते थे वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे और सारे माध्यम से इन्फॉर्म कर देते थे कि आपकी क्लास जो है आज नहीं चल पाएगी ड्यू टू सम रीजन, या फिर मीटिंग है आपके डिपार्टमेंट में जिसकी वजह से आपकी क्लास आज नहीं चल पाएगी। सो आपकी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर चलेंगी। और देखिए क्लास को लेकर के आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत बर्डन नहीं है, अगर आपकी जो क्लास है वो रेगुलर भी हैं तब भी आपकी हफ्ते में दो दिन छुट्टी होती है, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होती है, तो बचे पाँच दिन, और पाँच दिनों जो फ्राइडे है, फ्राइडे को आपकी बहुत ही कम क्लासेस होती हैं। सो अगर आपका बीए फर्स्ट ईयर में कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तभी आपकी क्लास चलेगी, यानी कि आपका बीए फर्स्ट ईयर में अगर कोई सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है तभी आपकी क्लासेस चलेगी फ्राइडे को, वरना आपकी जो क्लास है वो हफ्ते में चार दिन चलेगी। और हफ्ते में चार दिन भी आप ये देख सकते हैं कि आपका कौन कौन सा दिन इंपॉर्टेंट है, आपको किस टीचर की क्लास करनी किसकी नहीं करनी है। और कई बार क्या होता है कि आपका जो सिलेबस है आपका पूरा हो गया होता है, आपको वो टीचर पढ़ने में मन नहीं करता आपको किसी टीचर से, तो आपकी मंडे ट्यूसडे मोस्टली जो भी क्लासेज हैं वो चलती हैं दो दो क्लासेज आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, यानी कि एक क्लास की एक सब्जेक्ट की एक क्लास या दो क्लास आपकी ज़्यादा क्लासेज होती है मंडे ट्यूसडे को, और वेडनेसडे थर्सडे काफ़ी आपके ऊपर कम बर्डन होता है। सो ये बात हुई आपके क्लासेस के बारे में। इसके पहले कि हम कंपेयर करें इवन क्रिश्चियन कॉलेज मेन कैंपस सीएमपी या फिर एसएस खन्ना को, उसके पहले आपको जानना चाहिए कुछ इंटरेस्टिंग बात कि आपको जो क्लासेस हैं 50 मिनट्स की क्यों होती हैं। आप अगर स्कूल से पढ़ के आए होंगे, ऑफकोर्स पढ़ के आए हैं, सो आपका जो स्कूलिंग टाइम था वहाँ पर आपकी जो क्लासेस थी नियरली 40 मिनट्स 45 मिनट्स की थी, ऐसा किस लिए? और आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपकी जो क्लास चलेगी नियरली 50 मिनट्स की, तो आपका जो टाइम है नियरली आसपास है, ऐसा इसलिए क्योंकि साइंटिफिकली बिलीव किया जाता है कि किसी ह्यूमन बींग का जो स्टडी में कंसंट्रेशन है इट कैन मैक्सिमम लास्ट अप टू 40 to 45 minutes, यानी कि आपका जो बेस्ट टाइम टू कंसंट्रेट ऑन समथिंग है वो आपका 45 मिनट्स के आसपास है, 50 मिनट्स के आसपास है। तो ये आपका एवरेज टाइम है कि आप इतने देर तक फोकस रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आपकी एक क्लास चलते दो घंटे तो उसके बीच में आप बोर हो जाते, क्लास चलती रहती, आपको कुछ टाइम पास करने मन करता, आपका मन पढ़ने का ना करता, तो वो सही नहीं होता है। इवन अगर आप घर में भी पढ़ते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आपका क्लास का मतलब आपका जो टाइम है पढ़ने का बैठे टेबल पे वो नियरली 45 मिनट्स का हो, ऐसा नहीं कि आप लगातार बैठे हुए हैं अपने आपको फोर्स करके। एक टाइम होता है जो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अपने पीक पे होता है, तो आप जल्दी थिंग्स को कैच करते हैं और वही इंपॉर्टेंट है। सो आप पढ़िए 40 मिनट्स के आसपास 50 मिनट्स के आसपास, उसके बाद ब्रेक लीजिए 10 मिनट का, उसके बाद पढ़ने बैठिए। और इसी वजह से चाहे आपका वो एसएस खन्ना हो, चाहे आपका मेन कैंपस हो, चाहे आपका सेंबरीडी कॉलेज या फिर इवन क्रिश्चियन कॉलेज, आपका जो टाइम है क्लास का वो नियरली 45 मिनट्स, मेन कैंपस से 50 मिनट्स, बाकी में 45 मिनट्स के आसपास जो टाइम है आपकी एक क्लास का रहता है। अगर हम और कंपेयर करें इन सारे कॉलेजेस को, आपको बताऊं, देखिए इवन क्रिश्चियन कॉलेज ऐसा कॉलेज है जहां पर जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेकर के फोकस्ड हैं इवन स्टूडेंट्स के बराबर। कई बार आपकी एक टीचर क्लास ले रहा होता है और वो अभी क्लास से गया नहीं होता है कि आपका सेकेंड टीचर गेट पे खड़ा होता है कि आपके क्लास लेने आए, और इसकी वजह से आपकी जो क्लास है वो लगातार चलती रहती है। इवन कई बार आप इवन कॉलेज में आपकी क्लास 1.5 घंटा 1 घंटा 40 मिनट तक चलती रहती है। देखिए मेन कैंपस में मेरे टाइम में भी लास्ट में ऐसा ही हुआ था, मेरी क्लास है चली थी 2 घंटा 13 मिनट की, क्योंकि जो सिलेबस था बाकी रह गया था, क्योंकि क्लासेस इनिशियली बहुत कम चली थी जिसकी वजह से लास्ट में बर्डन आ गया था। तो टीचर्स आपकी जो क्लास है आपका जो सिलेबस है पूरा करते हैं, आपकी क्लास लेते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें देखिए, और एसएस खन्ना जो है, एसएस खन्ना में बीएससी के अगर आप बच्चे हैं तो आपके कई सारे क्लासेस में आपके लिए डिजिटल बोर्ड अवेलेबल है, जहाँ पर आपको स्लाइड्स के थ्रू डिजिटल बोर्ड पर लिख कर पढ़ाया जाएगा, और आपको वहाँ पर कई सारे स्लाइड्स दिखाई जाएंगे, डायग्राम दिखाई जाएगी, डायग्राम बनाई जाएगी डिजिटल बोर्ड पे। तो एसएस खन्ना में काफ़ी अच्छा डिजिटलाइजेशन है पढ़ाई को लेकर के इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सीएमपी डिग्री कॉलेज, और जिसकी वजह से तो आपकी फीस जो है वो भी ज़्यादा है एसएस खन्ना में कंपेयर टू सीएमपी डिग्री कॉलेज। पर नियरली आपके लिए दोनों ही जो कॉलेजेस हैं आसपास हैं, पर पढ़ाई को लेकर के ज़्यादा फोकस है आपके एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज में, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज में इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सीएमपी।
अगर बात करें इवन क्रिश्चियन कॉलेज के, तो वहाँ जो पढ़ाई का लेवल है काफी ऊपर है इन कंपैरिजन टू एनी एफिलिएटेड कॉलेज ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अब वहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो पूरा किया जाता है, और ऐसा नहीं कि टीचर ने वो सिलेबस के टॉपिक आपके क्लास में बोल दिया तो मतलब वो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पर जेन्यूनली आपका टॉपिक को कंप्लीट किया जाता है एसएस खन्ना वगैरह में या फिर सीएमपी में मेनली। आपके कई सारे जो टॉपिक्स हैं कंप्लीट नहीं किए जाते, टीचर क्लास उतना रेगुलर नहीं लेते जितना लेते हैं इवन क्रिश्चियन कॉलेज में, और मेन कैंपस में भी आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ जो वीडियो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।